और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश की भजन लाल सरकार लोगों के हित के लिए कई कल्याणकारी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सीएम जल्द ही जयपुर मेट्रो के फेज 1D का शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद आने वाले वक्त में मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से DCM अजमेर रोड तक जयपुर मेट्रो दौड़ती नजर आएगी। जयपुर मेट्रो के विस्तार की कवायद, सीएम भजन लाल जल्द करेंगे शिलान्यास। जयपुर मेट्रो के फेज 1D का जल्द शिलान्यास। लंबे वक्त से जयपुर मेट्रो के विस्तार का इंतजार हो रहा है, लेकिन जानकारी की माने तो प्रदेश की भजन लाल सरकार इस दिशा में जल्द कदम उठाने जा रही है। हाल ही में जयपुर मेट्रो के सेकेंड फेज को मंजूरी मिली थी। जानकारी की माने तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल्द ही जयपुर मेट्रो के फेज 1D का शिलान्यास करेंगे। कि मेट्रो प्रोजेक्ट जो होते हैं हाईली टेक्निकल इनपुट की रिक्वायरमेंट उसमें होती है। मेट्रो किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए उसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, उसकी पहले डिजाइन बनाने के लिए बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम पूरा कर रहे हैं। फिलहाल जयपुर में मानसरोवर से बड़ी चौपर तक मेट्रो चलती है और इसके विस्तार के बाद मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से DCM अजमेर रोड तक मेट्रो दौड़ती नजर आएगी। आपको बता दें कि जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने टेंडर संबंधी सभी काम पूरे कर लिए हैं। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से अजमेर रोड के बीच मिट्टी की गुणवत्ता जांचने संबंधी काम शुरू हो चुका है। जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए DMRC को जनरल कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। मेट्रो फेज 1D मानसरोवर से अजमेर बाईपास पर 200 फीट रोड तक होगा। इस रूट की दूरी 1.35 किलोमीटर होगी। ये पूरा रूट एलिवेटेड होगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 385 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हमारा सॉइल इन्वेस्टिगेशन का काम चल रहा है, जो मोर ओवर पूरा होने को आ गया है। टोपोग्राफिकल सर्वे हमने कर लिया, जहाँ जहाँ हमारी मेट्रो बननी है, जिससे कि हमें जो भी उसके बीच में अवरोध आए उनकी हमें पहले से जानकारी हो, जिससे कि हमारा मेट्रो प्रोजेक्ट निर्विघ्न रूप से पूरा हो सके कम से कम समय में। मेट्रो के विस्तार से जहां शहर के लोगों को पॉल्यूशन और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, वहीं सफर भी आसान होगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और करेंगे इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है दौसा से, उसका लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के चुनावी मंथन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताते चले। प्रदेश प्रभारी PCC चीफ नेता प्रतिपक्ष भी बैठक में मौजूद है। दौसा के राम मंदिर में कांग्रेस का कार्यकर्ता संवाद चल रहा है। चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी दौसा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का चुनावी मंथन लगातार जारी है, जिसमें प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से लेकर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बैठक चर्चा की जा रही है, कैसे लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करें, इसी को लेकर ये बेहद खास चर्चा, जहां पर दौसा के राम मंदिर में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद है, संवाद किया जा रहा है और चुनाव लड़ने के जो इच्छुक नेता है उनकी ओर से शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है, ताकि चुनावों में उन्हें टिकट दिया जाए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरीके से तैयारी में जुट चुकी है, क्योंकि बेहद कम वक्त बचा है और ऐसे में इस बार भी कांग्रेस के लिए राजस्थान में सूखा ही ना रह जाए, कुछ सीटें कांग्रेस के खाते में भी जाए, क्योंकि BJP की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हमने जो काम किया है उसके दम पर सभी 25 की 25 सीटें BJP के खाते में जाने वाली हैं, और इसी को लेकर कांग्रेस भी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और कांग्रेस की ओर से मिशन लोकसभा पर मंथन किया जा रहा है, खास रणनीति तैयार की जा रही है, जहां पर बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ताओं को भी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो वहीं ममता भूपेश से लेकर डोटासरा को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष भी इस मंथन में शामिल है। चर्चा की जा रही है कि कौन कौन से वो बड़े मुद्दे जिसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा जाए, जिसे लेकर कुछ जो सीटें हैं लोकसभा चुनाव की वो कांग्रेस के खाते में आ सके। तो दौसा से ये बड़ी खबर और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। तो वहीं जो इस चुनाव में लड़ने के लिए इच्छुक है वो भी वहां पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी आशिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष माफ कीजिएगा, आशीष
बैठक चल रही है, मंथन चल रहा है कांग्रेस की ओर से, इस वक्त वहां से तस्वीरें क्या है और क्या रणनीति तैयार की जा रही है कांग्रेस की ओर से चुनाव में जीत के लिए? बिल्कुल, इस समय पूर्व मंत्री और दौसा से कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा अपना संबोधन दे रहे हैं और एक तरीके से कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की जा रही है कि जिस भी व्यक्ति को पार्टी आलाकमान लोकसभा का टिकट दे उसके साथ सब तन मन से काम करे तभी उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। इस तरह का एक तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, साथ ही जो टिकट लेने के इच्छुक जो नेता हैं वो भी दलबल के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी लगातार की जा रही है अपने नेता के समर्थन में। और जो कांग्रेस के आला नेता हैं प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, इनका संबोधन अभी तक नहीं हुआ है, ये कुछ ही देर में अपना संबोधन देंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारियों में जुटी हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि प्रत्येक सीट पर अच्छे से चुनाव लड़े और कार्यकर्ताओं को मजबूती से मैदान में उतारे। जी बिल्कुल, कोशिश यही है कि कार्यकर्ताओं को मजबूती से मैदान में उतारा जाए, चूंकि वो जो इच्छुक लोग हैं जो लोकसभा चुनाव में टिकट चाहते हैं वो शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं वहां पर। आशीष, क्योंकि दौसा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इसमें 8 विधानसभा आती हैं, जिसमें जयपुर की 2 विधानसभा आती है, 1 अलवर की आती है, 5 दौसा की आती हैं। ऐसे में जिन विधानसभा क्षेत्रों के जो नेता हैं वो अपने टिकट मांगने के उद्देश्य से यहाँ पहुंच रहे हैं, साथ ही जो स्थानीय विधायक हैं और जो पूर्व में चुनाव लड़े हुए हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ दावेदारी पेश कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं को ये समझा रहे हैं कि जो भी पार्टी किसी को भी टिकट का निर्धारण करेगी, तय करेगी, उसका सभी को साथ देना, इस तरह की बातें की जा रही है। हालांकि जो पिछले चुनाव जो हारे हैं लगातार उसको लेकर भी आपस में कटाक्ष की जा रही है कि किसने साथ नहीं दिया, किसने साथ नहीं दिया। ऐसे में मीटिंग में व्यंग बाण भी चल रहे हैं, साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि दौसा लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन 2003 में जब सचिन पायलट जीते थे उसके बाद में आज तक कांग्रेस यहाँ नहीं जीती है, लगातार 3 चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई है। और यहाँ पर 2009 में निर्दलीय किरोड़ी लाल मीणा जीते थे, उसके बाद में लगातार बीजेपी यहाँ से जीतती जा रही है। बिल्कुल आशीष, अब देखना है कि इस बार क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रेलवे ने तय शेड्यूल से एक दिन पहले बांद्रा गंगानगर अरावली एक्सप्रेस को बिसाव स्टेशन पर रोक देने के मामले में स्टेशन मास्टर समेत 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। दरअसल बांद्रा से गंगानगर के बीच चलने वाली अरावली एक्सप्रेस का रेलवे ने बिसाव में 20 फरवरी से ठहराव तय किया था, इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह था। सांसद नरेंद्र खीचड़ के नेतृत्व में स्वागत कार्यक्रम तय किया गया, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये ट्रेन सोमवार को ही रोक दी गई, जिसके बाद शाम के वक्त ही लोगों ने स्टेशन पर पहुंचकर गार्ड और लोको पायलट का स्वागत किया, जिसके बाद लापरवाही के आरोप में रेलवे ने निलंबन की कार्रवाई की। और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ इन दिनों रोजगार की तलाश में हैं। वो बेरोजगार हो गए हैं, ऐसा हम नहीं बल्कि वो खुद कह रहे हैं। दरअसल वो अब अभिनेता बनना चाहते हैं। दरअसल राजेंद्र राठौड़ बुधवार को अपने चूरू के सैनिक बस्ती स्थित आवास पहुंचे, पर राजस्थानी फिल्म के निर्माता और निदेशक राजेंद्र सिंह शेखावत फिल्मों के अनुदान की मांग को लेकर उन्हें ज्ञापन देने पहुंचे। ज्ञापन पढ़ने के बाद राजेंद्र राठौड़ ने चुटकीले अंदाज में खुद को बेरोजगार बताते हुए निदेशक शेखावत से फिल्मों में काम देने की मांग कर डाली। राजेंद्र राठौड़ ने एक डायलॉग भी बोला, जिसके बाद वहां हंसी के फवारे फूट पड़े। आप भी सुनिए। वो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर एक मेरी प्रार्थना है कि मैं बिल्कुल बेरोजगार हूं और मैं एक्टिंग कर रहा था जब कॉलेज में पढ़ता था। बात कही है आप मेरे को उसमें काम तो दवाया इनको बताया भी था कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 फरवरी को धौलपुर जिले में प्रवेश करेगी। धौलपुर में यात्रा के प्रवेश को लेकर एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तैयारियों को लेकर चर्चा की गई, साथ ही ज्यादा से ज्यादा एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से यात्रा में शामिल होने की भी अपील की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कार्यक्रम और सभा की भी जानकारी दी गई। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है राजस्थान में प्रवेश करने वाली है,
पहले धौलपुर में आएगी, तो उसी की तैयारियों को लेकर जो है हम NHAI के सभी पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं नौजवानों की लड़ाई जो है राहुल जी लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं, छात्र छात्राओं की लड़ाई जो है राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। देश में आज विपरीत माहौल बना हुआ है, नफरत की राजनीति हो रही है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो आज पूरे हिंदुस्तान में जो है उनके प्रति बहुत प्रेम और सम्मान है। जब ऐसे में यात्रा राजस्थान में आ रही है, तो हम राजस्थान के वासी जो है पीछे नहीं रहने वाले, उसी को लेके हम लोग जो है आज हमारे NHAI कार्यकर्ता